अगर आपके पास इन पांच में से कोई भी स्किल है तो आप हर महीने बड़े आराम से 20 से 25 हजार रुपए तक कमा सकते हैं। जी हाँ, ये स्किल्स आपकी मदद करेंगे हर महीने पैसे कमाने में। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे पांच स्किल्स के बारे में जिसके लिए आपको टैलेंट चाहिए पर कोई डिग्री नहीं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन पांच स्किल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जिस स्किल के बारे में बात करने वाले हैं वो है फोटो और वीडियो एडिटिंग। आजकल लगभग हर कोई इस फील्ड के बारे में जानता है। अगर आप अच्छे से फोटो और वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं या फिर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप बड़े आराम से हर महीने 20 से 25 हजार रुपए तक कमा सकते हैं। आपको इस काम को करने के लिए फोटो और वीडियो एडिटिंग टूल्स के बारे में सीखना होगा, जैसे कि Adobe प्रीमियर प्रो, Adobe फोटोशॉप या फिर फिल्मोरा। इस जॉब को करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास ये तीन चीजें होना जरूरी है, एक 12th पास सर्टिफिकेट, एक लैपटॉप और एक स्मार्टफोन। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्किल जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कंटेंट राइटिंग। अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं और आप किसी एक चीज को अलग अलग तरीके से या फिर किसी यूनिक तरीके से लिख सकते हैं तो ये जॉब आप ही के लिए है। आप इस जॉब को करके आराम से हर महीने 20 से 25 हजार रुपए तक कमा सकते हैं। इस जॉब को करने के लिए आपके पास ये तीन चीजों का होना जरूरी है, एक 12th पास सर्टिफिकेट, एक लैपटॉप, आप किसी एक या फिर उससे अधिक लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो। तो अभी हम बात करेंगे तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट स्किल के बारे में, और इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये स्किल है डाटा एंट्री। अगर आपको डाटा एंट्री करना आता है तो ये जॉब आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। इस जॉब को करने के लिए आपको कंपनी के लिए डाटा एंट्री या फिर डाटा टाइपिंग करना होगा, और ये करके आप हर महीने 20 से 25 हजार बड़े आराम से कमा सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप इस जॉब को एज ए पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। इस जॉब को अगर आपको करना है तो आपके पास ये तीन चीजें होना जरूरी है, एक 12th पास सर्टिफिकेट, एक लैपटॉप और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की समझ। अब मैं आपको जिस स्किल के बारे में बताऊंगा वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस फील्ड में काम करके आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आप इस काम को बड़े आराम से कर सकते हैं। इस फील्ड में आपको किसी ब्रांड या फिर प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, और ऐसा करके आप हर महीने बड़े आराम से 20 या 25 हजार या फिर उससे भी अधिक कमा सकते हैं। आपको ये करने के लिए इन चीज़ों का होना जरूरी है। आपके सोशल मीडिया पर हजारों और लाखों की गिनती में फॉलोअर्स होने चाहिए। आप अपने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स को बढ़ाएं और कंपनी खुद ब खुद आपके पास काम लेकर आएंगी। अगर आपका ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छा है तो ये और भी ज़्यादा बेहतर है। एक बात बताइए, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको मिमिक्री करना आता होगा या फिर आपका वॉइस काफी अच्छा होगा। तो अभी हम बात करेंगे इस लिस्ट के आखिरी और पांचवें स्किल के बारे में, और वो है वॉइस ओवर आर्टिस्ट। अगर आपकी वॉइस अच्छी है और आपके पास ये टैलेंट है तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। आप बड़े आराम से अपने आवाज का जादू बिखेर कर हर महीने 20 से 25 हजार रुपए यूं कमा सकते हैं। इस काम को करने के लिए आपके पास इन चीजों का होना जरूरी है, एक 12th पास सर्टिफिकेट, एक लैपटॉप और एक अच्छी डायलॉग डिलीवरी स्किल। तो ये थे वो पांच स्किल जिसके मदद से आप हर महीने बड़े आराम से 20 से 25 हजार रुपए तक कमा सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों के बारे में या फिर किसी अन्य टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा वेबसाइट विजिट करें और वहाँ पे हमारे करियर टीवी सेक्शन का उपयोग करें। आप हमारा एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अपने स्किल्स को सुधारने में, किसी नए नौकरी को पाने में और इस तरह के विभिन्न प्रकार के क्यूरेटेड वीडियोस पाएंगे। अगर आपके पास अभी भी कोई सवाल है या फिर आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछें। आप इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दूसरे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम लेते हैं आपसे अलविदा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।